एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से लोगों का इंतजार था कि BSNL और MTNL से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। ऐसे तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी समय पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, जिस वीडियो में बताया था कि MTNL और BSNL जो कि मर्ज हो चुके हैं, यानी कि दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो फिलहाल उसी से रिगार्डिंग यहाँ पर नया अपडेट आया है। क्या BSNL और MTNL जो मर्ज हुए हैं उस टाइम, उसमें क्या बेनिफिट निकल के आ रहा है, इसके बारे में अपडेट जो है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार का अपडेट है। सबसे पहले हेडलाइन की बात करें तो BSNL के साथ डील से 18% उछला MTNL का शेयर, दाव लगाने को और निवेशक। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर BSNL और MTNL मर्ज हुई, उसके बाद यहाँ पे BSNL का तो पता नहीं, लेकिन MTNL का यहाँ पे 18% जो शेयर है वो उछाल मार चुका है, यानी कि 18% इसका शेयर जो कि बढ़ चुका है MTNL का। और BSNL का अभी जो भी अपडेट आने वाला है उस अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। शुक्रवार को दिन के दौरान MTNL के शेयर की कीमत 26.89 रुपए तक पहुँच गई। कारोबार के अंत में शेयर की कीमत 25.11 रुपए पर थी। यह एक दिन पहले के मुकाबले 11.55% की तेजी से दिखता है। और यहाँ पे सप्ताह के आखिर कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड निगम लिमिटेड, यानी कि जो MTNL है उसका पूरा नाम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड है। या MTNL की बात करें तो MTNL अपना जो सर्विसेज दो ही शहर में देता है, एक मुंबई में और एक NCR दिल्ली में। इसके अलावा इसका आपको सेवा कभी भी देखने को नहीं मिलता है। इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे दरअसल 1 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंजों की एक फाइलिंग में MTNL ने कहा कि BSNL के साथ समझौता ज्ञापन देश में दो सार्वजनिक क्षेत्र को खोलने के बीच संचालन के तालमेल का मार्ग प्रदर्शित करता है। समझौता ज्ञापन 27 जुलाई को बैठक में किए गए थे। निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक रूपरेखा की भी मुहैया करेगा। बता दें कि 29 सितंबर को सुबह 11:30 पर जो कि कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक होने वाली है। यहाँ पे अगली तरफ चलते हैं तो शेयर में उछाल। शुक्रवार को ट्रेडिंग के दौरान MTNL के शेयरों की कीमत 26.89 रुपये पर पहुँच गई। कारोबार के अंत में शेयर की कीमत 25.11 रुपये पर थी। यह एक दिन के मुकाबले में 11.55% की तेजी से देखता है। कंपनी का मार्केट कैप जो कि 1,581.93 करोड़ रुपये है। आगे की तरफ चलते हैं तो कब होगा विलय। तो बीते दिनों की ऐसी खबरें आई थी कि सचिवों का अंतर जो कि मंत्रालय सामूहिक विचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL के विलय पर फैसला करेगा। इस संबंध में प्रस्ताव जो संचार विभाग डॉट द्वारा उसे तैयार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉट BSNL के साथ MTNL के विलय पर एक रोड मैप तैयार करने की अंतिम चरण में है। इस प्रस्ताव को समीक्षा और मंजूरी मंत्रालय सचिवों के समूह द्वारा दी जाएगी। ब्लू प्रिंट की मंजूरी मिलने के बाद इसे आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट के साथ सक्षम रखा जाएगा। बता दें कि दो दूरसंचार संस्थाओं के बीच विलय पिछले कुछ वर्षों से लटका हुआ है। यहाँ पर कुछ जो कि यहाँ पे जो भी अपडेट निकल के आ रहा है, इससे हमें यह देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और पहले भी वीडियो प्रोवाइड किया था कि BSNL और MTNL जो कि मर्ज हो चुके हैं, दोनों मिलकर के काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे BSNL जो MTNL के साथ जो कि मर्ज हुआ है, तो यहाँ पर MTNL को जो कि काफ़ी फायदा हुआ। MTNL के 18% शेयर जो कि उछाल में है, यानी कि तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपने टिकल के आ रहा था BSNL और MTNL से खरीदारी। अगर आप भी कभी अगर आप क्या आपने कभी MTNL का सिम यूज किया है या नहीं किया है, आप इस वीडियो से कमेंट करके जरूर बताइएगा। MTNL का नाम आपने सुना था पहले या नहीं सुना था, ये भी आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मिलते हैं। कैसे वीडियो के साथ मिलते हैं।